शर्म नहीं आती तुम्हें? फौजी होके लड़कियां छेड़ते हो, ये क्या हरकत थी? मैडम आप गलत समझ रही हैं, मुझसे गलती से हुआ, मुझे निकलना पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगे तुम, तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लड़कियों को छेड़ने का ना बस बहाना चाहिए। अरे मैडम कुछ प्रॉब्लम है क्या? भैया देखिए ना कितनी गंदी हरकतें कर रहा है, मुझे बॉटल फेंक के मारी पीछे से, और वो भी फौज में होके, छी शर्म आनी चाहिए। क्यों रे, फौजी होके भी ऐसी हरकतें करता है, शर्म नहीं आती? और तुमको तो वैसे भी हमारी देश की रक्षा करने के लिए रखा गया है ना, ना कि माँ बहनों को छेड़ने के लिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया, समझते क्यों नहीं आप? मुझे भी निकलना पड़ेगा। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रुको। मैम प्लीज जान दो मुझे। बदतमीज कहीं का, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आर्मी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, पूरे आर्मी का नाम खराब कर रखा है। थैंक यू भैया, आप मेरे सपोर्ट में हैं। इट्स ओके, कोई नहीं। अरे शिट, मेरा कैश। क्या हुआ मैम, कुछ मिसिंग है क्या? भैया मेरा कैश, मैं अभी इसी में रखा था, मेरा कैश नहीं मिल रहा। ओह शिट, आर यू श्योर? हाँ भैया, मैं अभी बैंक से लेके आई हूँ, 1.5 लाख रुपए थे, मैंने इसी में रखे थे, बट मिल नहीं रहे। लगता है वो फौजी लेके चल गया, वही आपके साथ खड़ा था ना? हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, शायद तभी वो इतनी जल्दी में भाग के गया। लेकिन मैं उसको पकड़ूंगी कैसे? आप ऐसा कीजिए, आप पुलिस को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपकी जरूर हेल्प कर देंगे। हाँ मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, ये पुलिस कहाँ रह गई, कभी टाइम पे नहीं आती। भैया ये, अरे ये तो खुद ही आ गया। मैडम पैसे आपके? मेरे पैसे? मुझे पता था मेरे पैसे तुमने ही चुराए हैं। तुम तो रुको अभी, मैंने पुलिस को कॉल किया, वो आती ही होगी। मैम तुमने शांति रखी है और मेरी बात सुनी, अगर चोरी मैं करता तो वापस क्यों आता पैसे लेके आपके? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब कि हुआ ये था कि ये तो चोरी कर रहा है। शर्म नहीं आती? साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो। गलती हो गई कोई बात नहीं, बुलाता हूँ पुलिस को अभी, जब थाने जाएगा तो खुद उठाएगा। साहब पुलिसिया वाले मत करो साहब, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी करी। क्या मजबूरी, तुम चोर ना सर ऐसे ही होते हो। साहब माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, और डॉक्टर ने जो दवाई बोली है वो बहुत महंगी है, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी साहब। झूठ बोल रहा मुझसे है, समझता क्या तू मुझे? साहब माँ के नाम पे क्यों झूठ बोलूंगा साहब, आपको यकीन नहीं होता, आप खुद चल के देख लो। ला पैसे दे। ये कुछ पैसे रख, और हाँ अब चोरी मत करियो, कोई काम ढूंढ रो काम कर, अपनी मेहनत से कमा, चल जा। ओह शिट, I'm really sorry sir, मैंने बिना जाने पता नहीं आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया, इवन आपको थप्पड़ भी मार दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे माफ़ी मांगू। I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़। ओके मैम, बस मैं इतना ही बोलूँगा कि बिना पूरी बात जाने रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हाँ हम इंडियन आर्मी में, हमारा कर्तव्य रक्षा करना, चाहे वो देश हो या हमारे देश की माँ बहन हो। मैं निकलता हूँ।